फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काजल लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2017 के माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन ए बी एंड सी। आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर हेटरोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल, जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस गिवन है, ओनली 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं जो 20 मार्क्स के हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What are the major contribution of Landsteiner and Bezernik? Question number 2. Explain magnification, numerical aperture and resolving power of a compound light microscope. Question number 3. Describe Zeal-Nielsen staining procedure. Question number 4. Compare flagella of prokaryotic cell with that of eukaryotic cell. Question number 5. Describe 3 domains of Karl Weiss system of classification. Question number 6. How are cell wall characteristics important in bacterial taxonomy? Question number 7. What is the concept of microbial species in bacterial taxonomy? Question number 8. What is the role of ribosomal RNA in microbial taxonomy? Question number 9. What is the principle and uses of fluorescent microscope? Question number 10. Describe the procedure for staining Clostridium tetani endospores. सो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, टोटल सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ विगो ग्रेडिस्काई, ई जीनर, रॉबर्ट कोच एंड इवानोव्स्की इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, Describe various physical and chemical methods to control microorganism. Question number 3. Write notes on the following. A. Firmicutes. B. Actinobacteria. Question number 4. Explain the structure and function of nucleoid, cell envelope and flagella of bacterial cell. Question number 5. Describe the characteristic used for identification, differentiation, classification of major group of bacteria in Berge's manual of determinative bacteriology. Question number 6. Write notes on the following. A. Archaeal cell wall. B. Economic importance of cyanobacteria. Question number 7. Explain the structure and function of plasma membrane, Golgi apparatus and ribosomes of eukaryotic cell. Question number 8. Describe the principal working and uses of transmission electron microscope. How does it differ from light microscope? So friends, आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया है, अब आपको आइडिया हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।